हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद हैदराबाद वाला फ्लोरिना फैशन से आपके सामने थोड़ी सी माजरत चाहने के लिए, सॉरी बोलने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। रमज़ान के महीने का वक्त थोड़ा सा कम था। दो तीन वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि रमज़ान की तैयारी जो है वो आप पहले से थोड़ा कर लें। ट्रांसपोर्ट में जाने के मुतालिक भी प्रॉब्लम होता है, माल उठाने के लिए भी प्रॉब्लम होता है, और उस टाइम पे माल का शॉर्टेज भी होता है। तो आपने तैयारी तो कर ली होगी, मगर कोई ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की और आखिरी वक्त में उन्होंने इंक्वायरी, मतलब मैसेज के जरिए, फ़ोन के जरिए इंक्वायरी, और यहाँ आके भी माल परचेज करने की कोशिश की, जिसमें हमारी थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट रही। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। हमारी मिसमैनेजमेंट ये रही कि रोज़ाना के 25-30 इंक्वायरी आती थी मैसेज की और फ़ोन की। हमने सोचा काम के वक्त 50 या 100 की होगी, मगर वो 300 इंक्वायरी मैसेज की और 300 फ़ोन की और 30 से 40 ग्राहक काउंटर पे आना, वो सारा हम मैनेजमेंट नहीं कर सके। ये हमारी कमजोरी रही। इसके लिए मैं फिर से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ आने वालों को ऐसा लगा कि हम इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, फ़ोन में खेल रहे हैं। फ़ोन में जिनको जवाब दे रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि हम रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, हम उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैसेज वालों को ऐसा लग रहा था कि हम मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। यानी हर तरफ से, हमारे तरफ से कमजोरी रहने की वजह से कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आई। इसके लिए फिर से मैं माफी चाहता हूं। आइंदा ऐसा नहीं होगा, इसी में हम कोशिश करेंगे। कुछ माल आपने जो खरीदा और उसका माल आपको कम गया, उसका मिसमैनेजमेंट भी हुआ। जैसे मिसाल के तौर पे 13-14 डिज़ाइन आपने खरीदी, 9 डिज़ाइन या 8 डिज़ाइन गई आपको, बाकी का हमने आपको रिफंड दिया, ऐसा नहीं हो आगे, इसकी भी हम कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों ने, यानी हमने पहले से ही कहा है कि हमारा होलसेल का काम है, रिटेल का काम नहीं है, और रिटेल वालों ने भी कुछ इंक्वायरी करी जिसकी वजह से हम आपको, यानी होलसेल वाले, यानी हमारी टीम को, हमारी आप फैमिली हो, आपको हम तवज्जो नहीं दे सकते, वक्त नहीं दे सके। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आइंदा ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम कोशिश करेंगे। और कमेंट्स में लिखिए कि इसको बेहतर तरीके से कैसे मैनेज किया जाए। हमने कुछ थोड़ी सी टीम को बढ़ाया, मगर टीम को बढ़ाने के बाद भी वो मैनेजमेंट नहीं हो पाया। इसके लिए हम फिर से आपसे माफ़ी चाहते हैं। आप बड़े दिल से हमको माफ़ कर दें। रमज़ान का महीना है, वर्किंग आवर्स भी थोड़े छोटे होते हैं, काम की एफिशिएंसी भी हमारी थोड़ी कम होती है, और उसमें थोड़े से कम वक्त में ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ। फिर से हम आपसे माफी चाहते हैं। अगर कोई ऐसा आपके जहन में कोई ऐसा बात आती हो जिससे सारे लोगों को संतुष्टि हो जाए, तसल्ली हो जाए, इत्मीनान हो जाए, ऐसा कुछ आपके जहन में आता हो तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, आप गाइड कर सकते हैं। आपके एडवाइस पे हम ध्यान देंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, और आइंदा ऐसा नहीं हो ऐसी हम कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे ये ग्राहकी ज्यादा होने के बावजूद हमारे को थोड़ा टाइम नहीं मिला था, उसकी वजह से टेलीग्राम भी अपडेट नहीं हुआ और इंस्टाग्राम भी अपडेट नहीं हुआ, और इसके हमने शूटिंग, फोटो के शूटिंग भी नहीं कर सके, उस वजह से आपको अपडेट नहीं मिले और आपको थोड़ी शिकायत रही कि अपडेट नहीं मिलने की वजह से हम ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। आपने हमारी मजबूरी समझी होगी और आपसे हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। इस बार थोड़ी दिक्कत आई, आइंदा कोशिश करेंगे, आइंदा दिक्कत नहीं है। मिलेंगे आइंदा वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।